शरणाई आया तुम शरणाई आया।
कश्मीर ने फाड़िया हुला है, ओ पंजरल कश्मीर से आनंदपुरिया, पंजरल कश्मीर से केंदे पर्स चल कश्मीर दे। ओ पंजरल कश्मीर से आनंदपुरिया है, ओ दो पंजरल कश्मीर से आनंदपुरिया है, ओ पंजरल कश्मीर से आनंदपुरिया है, पंजरल कश्मीर से आनंदपुरिया है, ओ दो पंजरल कश्मीर।
इना डोला
सिर गई सब तात पराई, विसर गई सब तात पराई। विसर गई सब तात पराई, विसर गई सब तात पराई। जब ते साध संगत मोह पाई, विसर गई सब तात पराई, विसर गई सब तात पराई। सन्मान जो गुरु खालसा जी, एक बार सतगुरु पातशाह जी के चरणों में लो हाजरी, आखो गज के वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मनुख का अपने शरीर नाल बड़ा ही नेड़े का संबंध है। शरीरक तौर पर असं फिर गांह संबंध पैदा करते हाँ, मुढ़ला संबंध शरीर नाल। डॉक्टर वैद हकीम उन्हां कोल जाओ, वो राय दिंदे ने कि चंगा भोजन खाओ और पूरा भोजन सही जिहदे विच तत् होण ओह खाओ, इस दे नाल शरीर रिष्ट पुष्ट रहेगा। तुहाडे खाने विच लोड़ी दे तत सारे होने चाहिए ने, जे किसे तत की घाट आ गई तो शरीर रोगी हो जाएगा। शरीर नूं अरोग रखण लई, तंदुरुस्त रखण लई और पूर्ण भोजन सही भोजन की लोड़ है। जे कित माड़ा भोजन छकया जाए जो खराब होया हो तो फिर शरीर रोगी हो जाता है। रोगी होया शरीर कमजोर होगा, शरीर कटेगा। जिमें शरीर की लोड़ खुराक है और खुराक के नाल शरीर रिष्ट पुष्ट रहिंदा है, इवें जिवें आत्मा की खुराक है चंगे विचार शुभ विचार। जे तुसी अपनी आत्मा नूं चंगे विचार दिंदे हो तो आत्मा बलवान रहेगी, आत्मा महान रहेगी। हुण भगत जन संत जन महान मनुख जिन्हां ने असह कष्ट सहारे, सोचते हाँ कि वह किमें इन्हें कष्ट सहार गए। उसका मूल कारण है कि उन्होंने आत्मा इन्नी बलवान सी कि दुनिया दिते हुए कष्ट उन्होंने आत्मा लिए कुछ भी नहीं सन, क्योंकि आत्मा बलवान है। आत्मा बलवान होंदी है महान पवित्र विचारां नाल। जिथे शरीरक ताकत पूरी करने लिए सानू खाने की बड़ी जरूरत है और चंगा खाना खाइए, उवें जिवें सानू आत्मा नू शुद्ध ते बलवान बनाउण लई सानू चंगे विचारां दी लोड़ है। गुरु पंचम पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब दी बीड़ मुकम्मल कंप्लीट तैयार करके कहिंदे ने कि मनुखता लई इक असां ए पूर्ण थाल परोस दित्ता है। इहदे विच ओह तत हन जिन्हां नूं आहार करके आत्मा बलवान रहे।
तो गुरु पंचम पातशाह कहिंदे ने एक परोसिया होया थाल गुरबाणी है। तो आओ आत्मा नूं महान बनाउण लई आपां चंगे विचार लैण वास्ते गुरु महाराज दे चरणां विच आए हां। जे माड़ा खाना शरीर नूं रोग लाउंदा है चंगा तंदरुस्ती बख्शदा है। इवें जिवें माड़े विचार मनुख दी आत्मा नूं रोगी बनाउंदे ने। काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये पंज रोग मन्ने गए। इन्हां पंजां रोगां तों छुटकारा चंगे विचार चंगे स्वच्छ गुण छुटकारा कराउंदे। इसलिए असीं गुरु चरणां विच हाजिर हुंदे हाँ, नेक पुरशां दी संगत करदे हाँ तां कि साडी आत्मा रोग हो सके बलवान हो सके। आओ हम स्रोते बन के गुरु पातशाह दे चरणां विच जुड़ बैठे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास कल सुन रहे सी। धन हन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जुल्म दे नाल टकरा रहे ने, धर्म की राखी कर रहे। बाई धार दे राजिआं नूं हार होई क्योंकि सैर खान गुरु गोबिंद सिंह दे चरणां दे चुग गए। बाई धार दे राजिआं ने यह खबर औरंगजेब नूं पहुंचा दित्ती। जिन्ना चिर गुरु गोबिंद सिंह ते बाई धार दे राजे आपो विच ही लड़दे रहे, औरंगजेब बादशाह संतुष्ट सी इस विच। आम ही राजिआं दीआं नीतियां हुंदियां ने, जां इहो कह लो कि केंद्रीय सरकार की यह नीति है कि जे सूबे अपनी किसी अंदरूनी लड़ाई विच उलझे रहन ते केंद्र सुरखरू है। पर जदों कदे केंद्र नूं खतरा होवे फिर केंद्र चकन्ना हुंदा है। जदों बाई धार दे राजे गुरु गोबिंद सिंह दे मुकाबले उत्ते हार गए, इन्हां हारिया होया ने अपनी हार दे कारण औरंगजेब कोल दसे कि उसकी ताकत बढ़ रही है, जिसनूं शायद तुसां जाणिया नहीं, वह गुरु गोबिंद सिंह अजित बनता जा रहा, जितया नहीं जाएगा। औरंगजेब ने हुक्म दे दिता, दिल्ली तो बड़ा पारा लश्कर सूबा सरहंद वजीर खान और लाहौर का सूबेदार चोणवीं रियासतां इन्होंने आन पाया आनंदपुर नूं घेरा, लगातार घेरा पिया रहा। एक दिन वक्त आ गया जबकि अंदरों राशन मुक गया, कीमती जाना भुख दे दुखों चल वसियां। गुरु महाराज जी का प्यारा प्रसादी हाथी और नीला घोड़ा भुख दे दुखों जान प्राण ते आ गए। पुत्रां तो प्यारे सिंह शहीद हो गए भुख दे दुखों। मजबूर होकर गुरु महाराज नूं 1704 ईस्वी नूं आनंदपुर का किला छड़ना पिया। सरसा दरिया के किनारे उत्ते कसमां ते सगंधां नूं छिक्के टंग के मुगलिया सैना ने गुरु गोबिंद सिंह ते धावा कर दिता। एक पासे सरसा दीआं लहरां, एक पासे जुल्म दीआं लहरां, एक पासे दरिया का तूफान, एक पासे मुगलिया हकूमत का तूफान, अकाल का पुजारी गुरु गोबिंद सिंह दोनों नाल टकरा के अपनी मंजिल वल वध रहे। सरसा दरिया के किनारे उत्ते परिवार खेरू खेरू हो गया। कुछ गिणती दे सिंघां दे समेत गुरु महाराज अज चमकौर दे कच्चे कोठे विच आण बैठे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी जिंदगी विच किनारा लाया, दुनिया के लोगों ने उसका मखौल उड़ाया सी कि यह नारा ते यह सुपना गुरु गोबिंद सिंह का पूरा नहीं होगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दुनिया के मंच ते खड़ो के कह दिता सी कि 1,25,000 से एक लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। चमकौर दे कच्चे कोठे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आन बैठे ने, मगर लगी आ रही है मुगलों की फौज, टिटी दल का घेरा पै गया इस कच्चे कोठे नूं घेरा। तो गुरु गोबिंद सिंह ने आखे आया खालसा पंथ, अकाल दे पुजारी
मैं तेरे मान उत्ते भरोसे उत्ते दुनिया विच गल कह दित्ती कि 1,25,000 से एक लड़ाऊं, अज मेरे इस सुपने नूं चमकौर दे मैदान विच पूरिया कर देवो। गुरु गोबिंद सिंह दे एह ख्याल सुन के उन्हां 40 जां 41 मर जीवड़ियां ने जिवें अपने आप नूं मौत दा मुकाबला करन लई तैयार कीता, ओह वार तां मेरे साथी है क्यों कही जाणगे। Yeah.
ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਹਵੇਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਬਾਹਰਲਾ ਘਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਗਲ ਬਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 12-14 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਇਸਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਾਹਰਲੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 2 ਛੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਚੁਬਾਰਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਣ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 41 ਸਿੰਘ ਹਨ, 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 44। 44 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਰਤਾ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਔਰ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁੰਦਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਅਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਪ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੱਕਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਅਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੱਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਸ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਤਿਉਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤੀ, ਅਜੇ ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੇ ਪਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ 23 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਹ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜੂਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਪਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜਾ ਛਾਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਔਰ ਲੰਕਾ ਦੀ ਜੰਗ, ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਜੰਗ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬੈਰੂਤ ਕੰਟਰੀ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆ ਫਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਅਨੋਖੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 50,000 ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 40,000 ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40,000 ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 25-30,000 ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਨੋਖੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਟੋਟਲ 44 ਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ,
ਡੌਂਡੀ ਪਿਟਰੇ ਇਸ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਰਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹਿਰ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ। ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਗਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਇਸ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੀਸ਼ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈ, ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਔਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਲੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ, ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ, ਮਨੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਣ, ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਮਾਣ, ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਧਰਮ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਲਵੇਰੀਆਂ ਲਵੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਲਵੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਅਰਦਾਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਹੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਡਰੂੰ, ਨਾ ਡਰੂੰ ਅਰ ਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੂੰ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਅਵਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਬਦ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਗਾਰ ਹੈ, ਲਲਕਾਰ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਧਾਵੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਐ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਆਇਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਚੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੋਬ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਮ ਝੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸੰਤਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਤੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਬਸ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ
मेरा कीता होया वादा पूरा कर दियो, 1,25,000 से एक लड़ाऊं, तबा गोविंद सिंह नाम कहो। जब इन्नी गल आखी खालसे ने एक जवान होके आखिया, गुरु गोविंद सिंह जीओ पादशाह सिख ते है ही तेरे, साडा मन भी तेरा है, तन भी तेरा है, धन भी तेरा है, बस तेरे हुक्म दी लोड़ है। ते कुछ चीजां हन मनुख दियां, तन मनुख दा है, मन मनुख दा है, और धन मनुख दा है। धन कुर्बान किया जाता है क्योंकि धन कमाया जाता है। कई बार असं तन भी कुर्बान करते हैं, कुछ चिर लई ड्यूटी काम ते जाने, उन चिर तन कुर्बान है। तन देना भी सिखाला, तन देना भी सिखाला, पर मन देना बड़ा औखा है, बड़ा औखा है मन देना। अपनी रीझां, अपनी सोचा, अपनी विचार किसी की झोली विच पा देनी है बड़ी औखी है। तो सिख कह रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह, साडी ते कोई सोच ही नहीं रह गई, साडे ते विचार ही कोई नहीं रह गई, ना जीवन दी ना मरन दी, साडा कोई अपना सुपना ही नहीं। जो सुपना साडे गुरु दा, साडा सुपना है, जो रीझ साडे सतगुरु दी है, साडी रीझ है। सतगुरु आप हुक्म देवो, गुरु गोबिंद सिंह ने आखिया खालसा जी फिर तैयार हो जाओ। लो गुरु गोबिंद सिंह दा खालसा हुण अपने आप नूं तैयार कर रहे, हुण तैयार करन नाल करना है, कोई बाहरी मोर्चेबंदी नहीं करन दी लोड़। अंदर किला ए छोटी जी हवेली है, मकान है, कच्चा कोठा है, ते बाहरले बन्ने फौज खड़ोती है, कोई बाहरा कोले मनीषन नहीं जिहड़ी तैयारी करनी है। हुण तैयारी कास्ती करनी सी, तैयारी करनी है सिर्फ मन दी, मन नूं तैयार करना, मन पक्का बनाउणा है, तैयार करना है। मन इस गल ते आ जाए कि निश्चय करे अपनी जीत करूं, फिर मन का नाल तैयार होवेगा। जे हथियार तिखे करने ते सांट कोरे नाल तिखे होणगे, ते जो सिंह ने मान बनाउणा है, तैयार करना है कुरबानी करन लई, फिर गुरबाणी दे सांण ते मन लाउणा पैंदा है। अपने मनां नूं जिवें इस कच्चे कोठे विच बैठा खालसा पंथ तैयार कर रहा सी और अलाही बाणी पढ़ रहा सी, ओ बाणी दे बोल मेरे साथी इउं आखी जा रहे।
ਸ਼ਹੀਦੀ ਧਰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਹਾਰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਾਰ ਜਾਣ ਉਹ ਕਦੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਆਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਰਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਹੇ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਗਏ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਆੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਅਲਾਹੀ ਨਗਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦਿਲ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੋਲਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਜਾਂ ਯੋਧੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ, ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਜੇਲਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਆਂ ਪੋਰਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖੜੋਤੀਆਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜੀਆਂ ਉਸਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਦਾ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਔਰ ਇਸਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਾਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਥਲ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 16,000 ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲੇ ਸਨ, ਮਨੀਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਸੀ, 16,000 ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਨੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸਖਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ 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 ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਹਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਨਰਲ ਚਰਚਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਸਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲਏ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
दस लख दे घेरे विच किरिया होया और गिणती दे नाल सिंघां नूं लै के कह रहे है निश्चय करे अपनी जीत करो। कलंगी तर दे बहादुर अंदरों बैठे तीर चला रहे ने, मुरलियां कतारां दे सत्थर बिछ रहे ने। गुरु गोबिंद सिंह दे खालसे ने आख्या दतार पातशाह शेर दे दर उत्ते आके कितें गिद्दड़ पंगारे फिर शेर अंदर बैठा रहे, तुसा सानू सिंह बनाया शेर बनाया की हुक्म है आपका? हां फिर खालसा जी मैदान विच नित्रो। सतारा सिंह चमकौर दे मैदान विच नित्रे, सतारा मर्दां वांगू लड़े, सूरमियां वांगू लड़े ने। एक पासे दस लख एक पासे गिणती दे कुल सतारा, अनोखा ही मुकाबला। पर जानबाज ये सूरमे सरला चित्र नूं पै रहे ने, दुश्मन दे सत्थर लै रहे, इन्हां दे अंदर जान दी ते परवाह नहीं। इन्हां दे मन विच इक्को ही चाह है कि असी किन्नियां दे सर लाउंदे हां, किन्नियां नूं पार बुलाउंदे हां, किन्नियां नूं मार के मरते हां, अगे वधे जा रहे। एक एक दे अंदरों किन्ने ही तीर पार हो गए, पुरजा पुरजा होके सूरमे धरती ते टह पए। सतारा बहादुर शहीद होए तो कलगीधर दा वड्डा सपुत्र साहब अजीत सिंह जी रण भूमि दे इस वीर दर्शन तक रहे सन, दौले फरके खून विच जोश आया, पाया गल विच पल्ला, जोड़े दोए हाथ पिता दे सामने चकाया सीस, मैदान जंग जान दी आग्या जिवें साहब अजीत सिंह ने मंगी ओ वार्ता मेरे साथी है क्यों कही जाऊंगा।
सामने खड़ोता पुत्र पिता के चरणों में सिर झुका के आग्या मंग रहा सी, पिता जी ओ मैनू मैदाने जंग जाण दी आग्या दित्ती जाए। दुनिया का इतिहास इत्थे आके खड़ोंदा एक बार, जे किस दा पिता शहीद होया शायद पुत्र नहीं, जे पुत्र शहीद है तो पिता शहीद नहीं। कदे वक्त आया सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने पिता नूं तोड़िया सी और हस के तोड़ दिता सी, मैं जतीम होवां मैं रुल जावां पर भारत आबाद हो, ये दुखियां लोकां दुख वंडे जाण। इउं कह के मुस्कुराउंदिया होया अपने पिता नूं तोड़ दिता सी। अज फिर पुत्र आ गया मंगदे, पिता जी मैनू मैदाने जंग जाण दी आग्या दिओ। जंग जाण दी ही नहीं, जंग लड़न ही दी लड़न दी ही नहीं, जंग में शहीद हो जाण दी आग्या दिओ। पिता दे सामने एक मसला है, अपन तां कुछ चीज ऐसी हुंदी है जदों अपनियां नूं कोई दुख होवे उदों आत्मा आम करके दुख ज्यादा महसूस करदी। आम कहावत हैगी अखाण है कि किसी के घर अग लगी बसंतर ही दिंदी, पर जो अपने लगे तो फिर पता लगता है। बगाने पुत की मौत कुछ होर है, बगाने लोगों की लड़ाइया जिन्ना जुदन सुन लेना कुछ होर है। ताने लोगों का विचार है कि जिन्हें किसी दोस्त नूं जंग वल तोरिया जा सकता है, जिवें किसी मित्र नूं जंग वल तोरिया जा सकता है, उन्हां विचारां नाल कदे पुत्र नूं नहीं तोरिया जांदा। जिन्हां विचारां नाल किसी दोस्त जां मित्र की मौत सुनी जा सकती है, उस अराते नाल कदे पुत्र की मौत नहीं सुनी जाती। पर धन है गुरु गोबिंद सिंह अपने वड्डे पुत्र की गल सुन के आख्या, साहब अजीत सिंघा मैं खुश होया चन, तेरे शहीद होने नाल मेरी कीती अरदास पूरी हो जाए। पिता कह रहे अपने पुत्र नूं कि तेरे शहीद होने नाल मेरी एक अरदास पूरी हो जाएगी। मेरे लाल जदों मेरा पिता शहीद होया लोगों ने मैनूं सत्कार दिता कि गोबिंद राय एक शहीद पिता का पुत्र है। जब तू मर्दा वांग जूझेगा, जब तू शहीद होवेगा और कल वाले लोग मैनू शहीद पुत्रां दा पिता कह के भी चेते कर। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जीवन संबंध में कुछ किताबां लिखिया, उन्होंने एक साखी आम करके मिलती है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कदे आनंदपुरी की धरती अंदर सन, सोहना सजिया होया दरबार, तो एक गुरु पातशाह जी के दरबार में जिथे सिख संगत बैठिया ने, इतने गुरु महाराज के सज्जे चारे साहबजादे सोहनिया वर्दिया सोहनिया दस्तारा सोहनिया निक्किया निक्किया कलमिया सजा के बैठे। इस संत नूं पहले पता लग्या कि गुरु गोबिंद सिंह गृहस्थी है, उहदे मन विच इक दुविधा पैदा हो गई भी गुरु की ते गृहस्थी की, नाले पीरी फकीरी नाले फिर गृहस्थ। मन विच इह शकवा सी, पर गुरु गोबिंद सिंह दी उस्त भी बड़ी सुनी सी। जदों सामने दरवाजे दे कोले आया ते तकिया ते गुरु गोबिंद सिंह दे इर्द गिर्द चार साहबजादे बैठे, मन विच भुलेखा जिहा पैदा होया ते इहनूं चौबदार नूं पहरेदार नूं पुछिया कि ओ जो गुरु गोबिंद सिंह दे सज्जे खब्बे चार बच्चे बैठे ने, राजकुमार जापदे ने, ये किस रियासत दे मालक दे राजे दे पुत्र हन। सेवादार ने सिर झुका के आखिया, संत जी ये किसी राजे दे पुत्र नहीं, ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चारे ही साहबजादे। संत दे अंदर होर भी भुलेखा खड़ा हो गया, गुरु गोबिंद सिंह ये गृहस्थी के चार पुत्र एक नाथ
चार पुत्रां दा प्यो। आन चुकाया गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा वे सीस, पर शंका अजे भी मन विच है। सिर चुकाया बैठन लगे आ, गुरु महाराज ने बड़े आदर नाल बिठाया, आओ संत जी बैठो। गुरु गोबिंद सिंह, ये चारे पुत्र आपदे ने, शिकवा है अंदर, एक सवाल कीता है, पुछ रहे है पर अंदर सवाल है कि ये चारे पुत्र आपदे ने। सतगुरां एक अनोखी जी गल कह दिती, आख्या हां संत जी, ये चारे पुत्र दास नू रब ने दात बख्शी और मैं चारे पुत्र रब को झोली अड के मंग के लए। संत ते अंदरों तड़प उठे, ये गुरु ते पुत्रां लई कहने मैं चार पुत्र रब को मंग के लए ने, कोई झोली अड के मंग के लए ने, इन्नी पुत्रां दी भुख। सतगुरां ने आख्या संत जी अपने मन दा भुलेखा दूर कर लो, मैं जान लिया तुहाडे सवाल नू। संत जी हुण ये भी सुन लो कि चार पुत्र क्यों मंगे। संत जी कदे पिता शहीद होया सी, लोगों ने मान दिता ते मन विच करदास एक भावना पैदा हो गई सी, कदे वक्त आवे वाहिगुरु पुत्र दे में कदे कौम तो जिवें पिता तोरिया सी कदे पुत्र भी कुरबान कर सक। ये पुत्र चारे कौम उत्तों कुरबान करने ने, धर्म उत्तों कुरबान करने ने। तन है गुरु गोबिंद सिंह कह रहे ने, बेटा जो वक्त आ गया है, जब तू मदाने जंग विच मर्दा वांग जूझ के शहीद हो जाए। कलंगी धर दे पुत्र ने तैयारी की, अठां बहादुरां नू नाल ले, अठां दा जोधा जरनैल ए आगू बने साहब अजीत सिंह, तैयारी करके पिता दे सामने आण खड़ोते। अंत दी अरदास गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आप कीती है, वाहिगुरु पुत्र आ रहा मैदाने जंग विच, इहनू शहादत दा जाम बख्शना, इसनू मर्दां वाली मौत बख्शनी, ये अरदास एक पिता दी है। ये मर्दां वांगू शहीद होवे, तीर बरशियां नेज़े इहदी छाती विच बचन और दुश्मन वालों अग्गे होके डिगे और कदे पिछे ना मुड़े। अरदास समाप्त होई, अंत दी बार पिता ने अपने पुत्र नू कुट के हिक ना लाया, पुत्र ने पिता नू सच कहाया। आखर दी बार पहुं के रच के पुत्र ने अपने पिता वल तकिया ते पिता ने अपने पुत्र वल तकिया, बस मिलनी समाप्त हो गई। ताईयां अठां बहादुरां ने घोड़ियां ते काठियां संभालियां, हत्थां विच तलवारां, चमकौर दी हवेली दा खुल्लिया दरवाजा, सामने दल खड़ोते ने दुश्मन दे, दुश्मन दीयां दीवारां खड़ोतियां ने, पर की शेर भी कदे गिदड़ां देख के डरे ने, कदे शी जंगली बुकणों रहिंदे ना होड़े, कदे बहिण पछां दरियावां दे जांदे ना मोड़े, जे बन किसे ने मार ले उहनां बन्ने तोड़े, और जिन्ना फक्की बा आकाश दी आवाजा में जोड़े, जे पाए किसने पिंजरे ओना मारे लोड़े, जे सीखा टुट ना सकियां ओना खंभ त्रोड़े, हो जान गुलाम जे सूर में दर रेंद न थोड़े, सूर में करे गुलामी पसंद नहीं करया करदे, ओ मौत नु तरजीह दिया करदे ने। अठां बहादुरां दा आगू साहब अजीत सिंह होके घोड़े ते सवार, सब के हत्थां विच हथियार, छड के सत श्री अकाल जकारे और 10 लख बिरद तावा है, यूं बोल रहे भाई।
अजीत सिंह जी लखां दे मुकाबले ते लड़ रहे कि दुश्मन नाल मुकाबला सी क्यों जापदा सी जिवें अज मौत नाल मुकाबला हो रहा हो, जिवें अज काल नाल मुकाबला हो रहा हो। मौत खड़ो खड़ो के पासियां तो घूम घूम के इस योधे नूं सूरमे नूं तक रही सी। अज मौत भी मोहत हुई, मौत भी बाहर ने जा रही सी। आम करके मौत मनुखा नूं मारदी है, सिर्फ पहाड़ा ढोंदी रहिंदी मजबूरन। पर जदों कितें इहो जिहे मर्द मैदान विच आउंदे ने तो मौत उन्हां नूं लाड़े बना के भरदी। साहिब अजीत सिंह मर्दां वांग रणभूमि विच लड़े, सैकड़ियां दी अपनी तलवार दी धार तों पार करदे हुए
सैकड़े के तीर तलवारों अपने सीने में थान देंदे हुए अकाल अकाल गजाते आखिर चमकौर के मैदान में पुरजा पुरजा होकर टह पाए शहीद हो गए। चमकौर के कच्चे कोठे विच उपरली छत उत्ते खड़ोता पिता गुरु गोबिंद सिंह तक रहा सी पुत्र नूं शहीद हुंदे आ। जो पुत्र दे टोटे थले डिगे और पुत्र दे सीने विचों वर्षियां पार होईयां पिता दे नैणां विच आंसू नहीं आए, चेहरे ते कोई ऐसा चेहरे दा रंग नहीं बदलिया जो महसूस हो सके कि गुरुदेव घबरा गए। सतगुरां अकाल पुरख परमात्मा दा रज के शुकराना करदे हुए जकारे गजाए, धन है गुरु गोबिंद सिंह जिसने भारत की इस कमजोर जनता नूं महान बनाउण लई अपने पुत्रां नूं अखां दे सामने कुरबान किया। बाकी रहिंदा प्रसंग कल दे दीवान विच फिर कहण दा जतन करांगे। इन्हां कुछ कहिंदे होए खिमा दे जाचक इतिहास कहिंदे आ अनेक त्रुटियां हो गईआं होणगीआं, आप खिमा करोगे। जिन्हां संगतां वल्लों बेअंत माया आई कीर्तन दे सत्कार विच उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सिर चुका के फतेह बुलाते हैं, प्रवान करो अगम्बर।
डोंगरी बनवा जी। अखां सोहे सीन जदों आवे माछीवाड़े दा खालसा जी। सतगुरु पातशाह गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में हाजिर होए हो, गुरु के चरण सिख लई एक बोहत हन, एक बेड़ी हन, एक तुला है, एक महान शिप जहाज है, अग्ञान के समुद्र विचों पार लाउण वाला। सिख ले गुरु के दर्शन ते गुरु के दीदारे, गुरु का ज्ञान
जीवन सोमा है। सिख ले गुरु की गुरबाणी एक जग का चिराग है, एक लाइट हाउस है जिथों सिख नूं ज्ञान मिलता है। जिंदगी दियां कई गुंझलां निकलदियां ने, जिंदगी दे रस्ते दा मनुख नूं पता लगता है। तो सतगुरु पातशाह जी दी बाणी विच भी ऐसा आया है कि गुरु कोलों ही ज्ञान दा अंजन मिलता है, जिस दे नाल ओ अंतर आत्मा दे नेत्रां दी रोशनी विच प्रकाश हुंदा है। मनुख आपे नूं देख सकदा है और परमात्मा नूं देख सकदा है। ओ ऐसा सुरमा, ओ ऐसी दुआई जिसे नाल अंतर आत्मा दे नेत्र खुलदे ने, ओ गुरु तो ही मिलदा है। सतगुरु पातशाह फरमाउंदे ने, ज्ञान अंजन गुरधिया, अज्ञान अंधेर बनास। ज्ञान दा अंजन गुरु ने दे दिता, अज्ञान दा नेरा मुक गया। ए कदों होया ते किमें होया? सतगुरु पातशाह कहिंदे ने, गुर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। सतगुरु दी अपार कृपा होई, उहदी कृपा नाल ही किसे चंगे सतपुरश दे दर्शन होए ते गुरु दे नाल उसने जोड़ दिता। आओ एक बार करो रसना पवित्र, जुड़ो गुरु दे चरणां नाल, तां कि असी भी उस ज्ञान विच आ सकीए, प्रकाश विच आ सकीए, अज्ञान दे नेरे विच निकल के ज्ञान दे चानण विच खलोण दा जतन करिए। आखो गज के वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दासां दा ढाडी जत्था आप जी के सामने मंगलाचरण विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दियां कुछ विशेष खूबियां वल ध्यान दवा रहे सन। गुरु महाराज के कुछ गुण प्रगट किए जा रहे सन। धन है गुरु गोबिंद सिंह, जिसकी जिंदगी का हर पहलू दुनिया के महान गुणा नाल भरिया होया। जे कोई सूरमा है शायद वह संत नहीं, जे कोई संत है तो वह सूरमा नहीं, जे कोई संत भी है तो सूरमा भी है शायद वह दानी नहीं, जे कोई सूरमा भी है तो संत भी है तो दानी है शायद कोई ज्ञानी नहीं। पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जीवनी विच्चों दुनिया के सारे ही गुण मिलते। जो भी गुण अज तक दुनिया पैदा कर सकी, वह गुण गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जिंदगी विच मुकम्मल सन। उन्हां गुणां नाल जिंदगी लवालव भरी हुई सी। इसलिए फारसी के शायर भाई नंद लाल जी उन्हां 700 तो कुछ ज़्यादा गुण अपनी कलम नाल गुरु गोबिंद सिंह जी विच प्रगट किए और जाने के अंत विच कहिंदा, सतगुरु तेरे गुणां नूं मैं अजे भी नहीं जान सकता। शुरू करते ने वह कहिंदे ने, नासरो मनसूर गुर गोबिंद सिंह, एजदी मंजूर गुर गोबिंद सिंह, हक हक अंदेश गुर गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुर गोबिंद सिंह, कादरे हरकार गुर गोबिंद सिंह, बेकसार आजार गुर गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी बारे दुनिया के महान लोगों ने आपो अपने विचार दिते। एक मुसलमान शायर अला यार खां जोगी, उसने गुरु गोबिंद सिंह जी दे जीवन नूं जानदे होया अपनी कलम नाल सजदा करदे होए आखिया, ऐ गुरु गोबिंद सिंह तू महान है और तेरी जिंदगी नूं जानना शायद मेरे वास्ते की दुनिया का कोई मनुख भी तेनू जान ना सके। वो कहिंदा, दुनिया ने मनुख जां मैं
ਇੱਕ ਬੁਲਬਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿ ਤੇ ਤਰਦਾ ਤੇ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿੰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਆਂਖ ਸੇ ਬੁਲਬੁਲਾ, ਏਕ ਆਂਖ ਸੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕਿਆ ਕੁੱਲ ਬਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਸਹਿਲ ਕੋ ਮੰਝਧਾਰ ਕੋ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਉਸਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਦਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਾਰਤਕ ਕਥਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਰਤਕ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਤ ਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਨਸ ਚਰਿੱਤਰ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਔਰ ਸੱਤ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਲਸੀ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਰਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇਵੀ, ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਅਨਸਬੰਸ਼ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਲਈ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਫਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਲਾ। ਤੁਲਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਨੇ ਜਨੇ ਤੋ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੈ ਨੂਰ। ਜਾਂ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਨੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਐ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪਣੀ 300 ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਪਣੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਪਣੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਇਆ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿਸ ਵੇਦਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪਣੀ ਬੱਚੇ ਖਾ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਦਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਔਰ ਜਿਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਲਾਇਕ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਪਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪਣੀ ਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ।
तो मां गुजरी ने कैसा पुत्र पैदा किया, तन सी ओ मां, महान सी ओ मां, जिस मां ने एक ऐसा पुत्र पैदा किया और दुनिया ने लोगों ने एक एक या दो दो गुण अपने विच पैदा किए, पर उस मां गुजरी के चन्न विच दुनिया ने सारे ही गुण सन। एक विद्वान वो कहना, मैं हैरान हाँ कि कुछ मामा ने ऐसे पुत्र पैदा किए जिन्होंने दरियावां दे पुल बन दिते ताकि दरिया नूं पार किया जा सके। दरिया की एक दिक्कत एक मजबूरी खत्म कर दी। वो कहना कुछ मामा ने ऐसे इंजीनियर पुत पैदा किए जिन्होंने दरियावां दे नूं बन मार दिते, पानी रोक दिता ताकि पानी बढ़ ना सके आसे पासे। पर कहना मां गुजरी ने एक ऐसा पुत्र पैदा किया जिसने दरिया नूं बन ही नहीं मारिया जां पुल ही नहीं बनाया, उसने दरिया का रुख ही बदल दिता। उहदे कहण दा भाव वो कहिंदे जो पछम वालों जुलम का दरिया सदियों तो लैके भारत वल नूं बग रहा सी और मासूम जनता नूं रोड़ी जा रहा सी, उसका रुख गुरु गोबिंद सिंह ने पछम वल नूं मोड़ दिता, उसका रुख ही मोड़ दिता, उसका बहाव ही मोड़ दिता, उसका बहन ही मोड़ दिता। आओ उस गुरु गोबिंद सिंह जी की जीवन गाथा कल दासां दे ढाडी जिथे कोलों सुन रहे सी, चमकौर दा मैदान। वड्डा पुत्र अखां सामे शहीद हो गया, छोटा आण खड़ोता, पिता जी मैनू भी आग्या दिओ, मेरा वीर शहीद हो गया, मैं अपने वीर का साथी बनना चाहुंदा हां। हुण साथी किवें बणिया जाणा, एक वीर एक भरा मौत दरवाजे तो पार हो गए, ओनू मिलने लई उसे दरवाजे तो लंघना पवेगा। किन्ना प्यार है, भरा कह रहा मैं अपने वीर नूं मिलना चाहुंदा, पिता जी मैनू भी जंगल तोड़ दिओ, मेरा चाह है, मेरा अरमान है, मेरी रीत है। सतगुरां आख्या चन्निया जजार सिंघा, तैं सिख इतिहास विच इक होर वाधा कर दिता। मेरे चन्न जे तैनूं आवाज मार के कदे सदना पैंदा कि उठ हुण तूं कुरबानी करन लई जा, तुना जाना आने वाले वक्त विच कौम विच ऐसी निराशता रहिंदी, कुरबानी करन वाले नूं आवाजा मार के बुलाउणा पिया करदा, पर तेरी कुरबानी दा इह असर होवेगा कि जदों कोई कौम विचों इक अजीत सिंह वांग कुरबानी करिया करेगा, तेरे वर्गे सरलथ जजार सिंघां दीआं कतारां कुरबानी करन लई उसदे मर खड़ोतियां होइआ करनगीआं। तो गुरु गोबिंद सिंह दे इह बोल अज तक कौम विच परपक हन, जदों कदे इक दी कुरबानी हुंदी है कौम छातियां तान के उसदे मगर आण खड़ोदी, इह नहीं कि कोई एक सिंह किते मारिआ किते बाकी चुप कर जाण, सैकड़े होर नित्र पैंदे ने। कलंगीधर दा 14 सालां दा छिंदा मैदान विच आया, दुश्मन ने आख्या गुरु गोबिंद सिंह दा निक्का जिहा पुत्तर आया है, इहदे नाल कल्ले नाल कल्ला लड़ो। कल्ले आए, दो आए, तीन आए, चार आए, पंज आए, शेर दा बच्चा बेशक निक्का होवे पर उह हज़ारां गिदड़ां उत्ते भारू होया करदा। जदों पंजां दे ताड़ां तों सिर बच कर दित्ते, फौजां विच करलाहट पै गई, उहनां आख्या वज़ीर खान तूं इसनूं बच्चा समझदा, इसनूं बच्चा ना मन, इहदे तुहाडे साडे लई काल आ गया, मौत दा फरिश्ता आ गया, जे बचना चाहुंदे तां इक्के वार धावा बोल दिओ। इक्के वार तीरां दी छूट होई, नन्ही छाती विचों सैकड़े तीर पार हो गए, कलंगी वाले दा पुत्र टुकड़ियां विच वंडिया गया, धरती ते ढह पिया। चार पुत्रां विचों दो सरसा ते विछड़ गए सन, दो कोले सन, दो विचों इह आखरी पुत्र भी अखां दे सामे शहीद हो गए। तन हन सतगुरु नहीं आंसू केरे, नहीं बराग विच आए। एक विद्वान दे विचार हन, वो कहिंदा हस शहीदी पा गया जद लाल छटेरा, हस शहीदी पा गया जद लाल छटेरा, वो अखां सामे हो गया जद वेरा बेरा, उंगली ला के लै गया उहनूं उहदा वीर बडेरा, बोले सच्चे सतगुरु बाह भाणा तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, आ पंथ वसे मैं उचड़ा मन चाओ कनेरा, वाहो वाहो गोबिंद सिंह धन तेरा जी, धन है गुरु गोबिंद सिंह।
पुत्र शहीद होया जो इस कच्चे कोठे में सिंह बाकी सन कोले बुला लिया। ऐ खालसा पंथ, जिस दिन अमृत छकाया गया उस दिन मैं पंथ में गुरु मनिया, पंथ के सामने मैं सिर छकाया, पर अज आखर दी वार मैं रस्म अदा करता हाँ कि अज तो पंथ गुरु है और गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच। ये कहिंदे होया सतगुरु पातशाह जी ने कमर कसा कस लिया, तैयारी कर ली। दया सिंह ने आख्या पातशाह की कर रहे हो? दया सिंह, मैं अपनी अरदास नूं पूरियां कर लग्या हाँ। मेरी अरदास है ना कि देह शिवा पर मोहे ए है, शुभ कर्मन ते कब हूं ना डरू, ना डरू अरसो जब जाए लरूं, निश्चय करे अपनी जीत करूं, अरसिख हूं अपने हुई मन को, अरसिख हूं अपने ही मन को, ए लाल चहा गुमताऊं चरूं, जब आव की औध न धान बनाए, अति हीरन में तब जूझ मरूं। जूझ मरन दा वक्त आ गया, मैं जूझ मरन लई मदाने जंग विच जान लग्या। दया सिंह ने आख्या सतगुरु, गुरु सिख पैदा कर सकता है, सिख गुरु नहीं पैदा कर सकते। पंथ नूं लोड़ है तुहाडी, आप चुप चाप पेस बदल के किले विचों निकल जाओ, हवेली विचों निकल जाओ। सतगुरु आख्या दया सिंह, मेरा तो सब की यह है कि नहीं डरना नहीं डरा, फिर मैं लुक के चले जावा, नहीं नहीं फिर चमकौर दे मैदान नालों धरती कोई होर चंगी नहीं, जिथे मैं मौत नूं प्रवान करा, मैं शहीद होवा। दया सिंह सिंघां विच आ गए, खालसा जी वक्त जा रहे है, गुरु गोबिंद सिंह मैदान जंग में शहीद होने जा रहे हैं, आओ वक्त बचा रही है। आ गए ने सिंह, दया सिंह फिर बोले सतगुरु की विचार है आप दे? दया सिंह जी जो मैं कह चुके हैं मैदान जंग में जाने लिए तैयार हो जाओ, मैं जाने लिए तैयार हूं। दया सिंह ने आख्या सतगुरु, अगे भी कोई सिख गुरु के हुक्म तो बगैर गया? जिते अगे कोई गया गुरु की आग्ञा तो बगैर, फिर आप भी चले जाओ, जे नहीं। दया सिंह जी की कह रहे? हाँ हाँ गुरुदेव, आपने पंथ नूं गुरु मन्ने, पंथ की गुरु वाली हैसियत है, जे ते मनदे हो इन्हां गल्लां नूं फिर पंथ कोलों तुहानूं आग्ञा लैनी पवेगी, जो आग्ञा पंथ देवेगा। तुसीं इस मौके गुरु बन के पंथ नूं हुक्म देना है, जाके पंथ नूं अपना गुरु मन के पंथ की आग्ञा नाल चलना। पंथ दे बाली दी नीमी पै गए, सिर चुका के गल पल्लू पा के आखे, ऐ पंथ खालसा मैं पंथ नूं मानता दिंदा हाँ, मैं पंथ दा हर हुक्म मन्नांगा, मैं पंथ कोलों झोली अड़ के एक खैर मंगदा हाँ। दया सिंघा मैं पंथ दे मत्थे उत्ते कलंक नहीं लाउणा चाहुंदा। कल वाले लोग कहन पंथ दा गुरु सिखां दा गुरु, लोके निकल गया चोरा मन और डर के पेस बदल के निकल गया, मैं ते कलंक पंथ दे इतिहास उत्ते लग जाए, मैं जाना चाहुंदा हाँ, मैं ललकार के जाना चाहुंदा हाँ, बंगार के जाना चाहुंदा। दया सिंह ने आखिया पातशाह, बस पंथ की बेनती इन्नी है, आप सही सलामत जाओ, बेशक बंगार के जाओ ललकार के जाओ। बस फिर की होया सोती अरदासा, पईयां नगारे उत्ते धार धार चोटा, गजा के सतरी अकाल दे जकारे, धूके तलवार दुश्मन लकारदे होए, सतगुरु पातशाह चमकौर दे मैदान विचों बैरी दल नूं चीरदे होए, एक किनारे वल नूं एक पासे नूं अपनी मंजिल वल नूं जिवें बद रहे सन जिवें निकल रहे सन, ओ बार तां मेरे साथी है यूं कही जाऊंगा।
ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਸਨ ਚੌਗਰਦੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ